जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। यह बात सुनकर प्रज्ञा जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी शादी के बाद गैया को उसके साथ ही भेज देंगे। प्रज्ञा की शादी हुई तो उसके पिता ने गैया उनके साथ ससुराल भेज दी। प्रज्ञा और उसकी गैया का दिल इस नए गांव में लग चुका था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन गैया बीमार हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। क्या हुआ तुम्हें गैया? क्या हुआ है मुझे बताओ, हे भगवान। प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छा इलाज कराते हैं, लेकिन गैया एक दिन अचानक सुबह सुबह मरी हुई मिलती है। प्रज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं नहीं, मेरी गैया, भगवान ये तुमने क्या किया? मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। अरे बेटी चुप हो जाओ, मैं समझती हूँ गैया से तुम्हें बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम पेट से हो, अपने बच्चे का ख्याल रखो प्रज्ञा। प्रज्ञा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन प्रज्ञा अपनी गैया को याद करके दिन रात रोती है। और जहाँ वो गैया को बांधती थी, वहाँ पड़ी मिट्टी से गैया की मूर्ति बनाने लगती है और रोती रहती है। उसके आंसू उस गीली मिट्टी में मिल जाते और गैया की मूर्ति बनती चली जाती। एक दिन रात को सोते हुए प्रज्ञा को सपने में गैया आई और गैया ने कहा, प्रज्ञा मेरी बच्ची, तुम तो मेरे साथ पड़ी हुई हो, मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मेरा जाने का समय आ गया था, इसीलिए चली गई। अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसा मत करो, जो मिट्टी की गाय तुमने बनाई है वो ऐसी वैसी नहीं, वो जादुई गाय है। तुम उसे जो मांगोगी वो तुम्हें देगी। उसमें तुम्हारी श्रद्धा और प्यार के सच्चे आंसू मिल गए हैं। जाओ उससे कुछ मांग कर तो देखो। प्रज्ञा नींद से जागती है और मिट्टी की गैया के पास जाकर कहती है, मुझे एक गैया चाहिए, एकदम वैसी जैसी मेरी गैया थी। जादू से एक बड़ी सी खूबसूरत गाय एकदम पहली जैसी गाय की तरह प्रकट हो जाती है। प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। अब वो जादुई मिट्टी की गाय से जो चाहे वो मांग सकती थी, मगर अब उसे अपनी गैया जो मिल गई थी, उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया और अपने बच्चे को जन्म दिया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। मुर्गी चोर को सबक। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझता था, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता था। बस कभी कभी छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था, लेकिन उसे खाने पीने का बहुत शौक था। क्या माँ, फिर से वही साग सब्जी? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तो तुझे क्या अच्छा लगता है ये तो बता। माँ तुम्हें पता तो है मुझे नॉन वेज अच्छा लगता है, ताजी ताजी मुर्गी चिकन, करी मटन, फिश करी, बस यही सब पसंद आता है। चिकन बिरयानी, आहा, सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है माँ। वाह वाह, अरे निकम्मे, तुझे चिकन खाने का इतना शौक है तो कुछ कमाता क्यों नहीं? मेरी कमाई में तो चिकन आना बहुत मुश्किल है, ये बना नहीं सकती मैं। माँ की ये बात सुनकर राजू गुस्से में घर से निकल जाता है और गांव की मुर्गियाँ चुराने का फैसला कर लेता है। अब वो रोज कहीं ना कहीं से मुर्गी चुरा कर लेकर आता और अपनी माँ से कहता, लो माँ अब तो तुझे रोज मुर्गी ला कर दूंगा, पका कर खिलाना, मजा आएगा।
अरे निकम्मे, कहाँ से चोरी करके लाया है? किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा बेटा, छोड़ दे ये काम। लेकिन राजू अपनी माँ की बात नहीं मानता था और मुर्गियाँ चोरी करता रहता था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि मुर्गियाँ कौन चुरा रहा था ये वे नहीं जानते थे, और उधर मुर्गियाँ खुद उसकी इस आदत से तंग आ चुकी थी। इस राजू के बच्चे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जब देखो हमें पकड़ कर ले जाता है, कल मेरी सहेली को ले गया था। सभी मुर्गियाँ इकट्ठा होकर कालू जंगली मुर्गे के पास जाती हैं। कालू जंगली मुर्गा और उसके साथी बहुत ही तेज तरार थे और किसी से भी नहीं डरते थे, और सबको अपनी चोंच से मार मार कर भगा दिया करते थे। कालू उन सबकी बात सुनकर कहता है, तुम फिकर मत करो, जब राजू आएगा तो तुम चुपचाप छुप जाना, हम लोग उसे देख लेंगे। जब राजू मुर्गी चुराने आता है तो कालू मुर्गे को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा मुर्गा। लेकिन जैसे ही राजू कालू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू और उसके साथी राजू पर हमला कर देते हैं। पकड़ा को, अच्छा ही पकड़ेगा, आज पकड़ कर दिखा, पकड़ पकड़ पकड़। राजू वहां से भागकर बचना चाहता है, लेकिन मुर्गे उसका पीछा लगातार करते रहते हैं। गांव के बीचों बीच राजू बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मुर्गी चोर और कोई नहीं अपना राजू ही है, और सभी उसकी खूब पिटाई करते हैं। राजू अपनी गलती मानता है और एक कसम खाता है कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी मेहनत मजदूरी करके ही जो भी मिलेगा उसे खाएगा। और उधर सभी मुर्गियाँ कालू मुर्गे और उनके साथियों को धन्यवाद करती हैं, और कालू मुर्गा बड़े ही शान से अपने साथियों के साथ जंगल वापस चला जाता है। तीन चतुर बकरियाँ। गोविंद के पास तीन बकरियाँ थी। तीनों बहुत चतुर थी। गोविंद तो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बकरियों का दिल हमेशा बंधन से छूटने में लगा रहता। हाँ, कितना कमाएगा ये गोविंद, इतने पैसे कमा चुका है, फिर भी हमें डालने के लिए इसके पास अच्छा खाना नहीं। दूसरी बकरी कहती है, ठीक कहते हो बहन, मगर करें क्या, मैं तो इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। तभी तीसरी बकरी कहती है, जो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी, एक उपाय है मेरे पास, बोलो कहूँ तो बताऊँ तुम्हें। हाँ हाँ बताओ क्या करें। वो जो पंडित जी आते हैं हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनसे बात की जाए। क्या बात करेंगे? पंडित जी से कह दूंगी कि इन तीन बकरियों को दान में दे दे तो वो और भी धनवान बन सकता है। ऐसा करने पर वो हमारा खूटा खोल देगा और हम पंडित के साथ चले जाएंगे। पंडित तो घर में टिकता नहीं, सारा दिन इधर उधर दक्षिणा के लिए घूमता है। हम उसके घर में किसी दिन मौका पाकर आजाद हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तीनों बकरियाँ अपनी बात पंडित को बताती हैं। पंडित हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, बात करने वाली बकरियाँ, गोविंद ने कभी बताया नहीं, ये तो बड़ी मायावी लगती हैं। इनकी बात मान लूं तो मेरी चांदी ही चांदी है। गोविंद के मन में पंडित ये बात डाल देता है। देखो गोविंद, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, तुम्हें कोई लड़की मिलती नहीं, उसका कारण ये तीन बकरियां हैं। जिस घर में इस तरह की तीन बकरियां हो, वहाँ लड़की आना बहुत मुश्किल है, तुम्हें इन तीनों को दान में देना होगा। गोविंद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी तीनों बकरियां पंडित को दे देता है। देखा, बात बन गई, आज रात ही पंडित के घर से भाग जाएंगे। तीनों बकरियां बड़ी उम्मीद के साथ पंडित के घर पहुंचती हैं, मगर वहां पंडित एक ग्राहक को बुलाकर पहले से रखता है और उसके हाथ तीनों बकरियों को बेच देता है। तक तेरे की, ये पंडित तो बहुत चालाक निकला, कुछ करना होगा। तीनों बकरियां पंडित से कहती हैं, पंडित तूने धोखा दिया ना, जानता है ना हम बोलती हैं, भगवान से बात करती हैं,
आज रात तो खत्म, देख लेना आज ही भगवान से बात कहूंगी। ऐसा कहते ही पंडित डर जाता है और सारे पैसे खरीदार को वापस लौटा देता है। फिर वो कहता है, तो भाई मुझे छोड़ दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमें आजादी चाहिए, खोलो ये खूंटा। तीसरी बकरी की बात मानकर पंडित खूंटा खोल देता है और तीनों बकरियां अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाती हैं। तो देखा, समझदारी से काम किया तो आजादी मिल गई।